हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट देते हो और या फिर आपके कस्टमर से आपको एडवांस पेमेंट आता है, तो आपको अगर बहुत सारे कस्टमर से एडवांस पेमेंट आया हुआ है या फिर बहुत सारे सप्लायर को आपने एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, तो उसका आपको पूरा रिपोर्ट चेक करना है कि आपने कितने कितने कस्टमर को कस्टमर से आपसे एडवांस पेमेंट आया हुआ है या फिर कितने सप्लायर को आपने एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, उसका आपको एक ही जगह पर रिपोर्ट चेक करना है। तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको छोड़ दूँगा। दो दिन पहले मुझे कमेंट्स आया था एक व्यूवर का जिसके इस टाइप की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे जो सोल्यूशन मिला उस सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और भी अगर कुछ एडवांस सोल्यूशन भी मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट अभी ये जो सोल्यूशन है वो मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। और इसके थ्रू आप भी जो भी एडवांस पेमेंट आप देते हो या पेमेंट किसी पार्टी से आया है तो उसका आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन किए हैं और सारे पार्टी के लेजर में मैंने बायर और सप्लायर मेंशन किया हुआ कि जिससे आपको पता चले कि आप जो रिपोर्ट चेक करो उसमें सप्लायर कौन है और बायर कौन है, इसीलिए हम लोग समझ में आए। तो अभी यहाँ पर मैंने एक सेल्स का एंट्री किया है, एक परचेज़ का एंट्री किया है और एक जो पेमेंट का एंट्री किया है वो पर्टिकुलर एक बिल के अगेंस्ट में किया हुआ है। और बाकी यहाँ पे जो 4 एंट्री है उसमें मैंने सप्लायर को एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, 2 सप्लायर है जिसको मैंने एडवांस पेमेंट दिया हुआ है और 2 जो बायर है उससे मुझे एडवांस पेमेंट आया हुआ है। तो ये दोनों बायर का मुझे एडवांस पेमेंट कहाँ पर दिखेगा और 2 सप्लायर है उसको जो मैंने पेमेंट दिया हुआ है वो मुझे कहाँ पर दिखेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग में हम लोग रिपोर्ट चेक करते हैं उसमें जो रिसीवेबल होते हैं, जो हमारे डेप्टर्स होते हैं जिससे हमें पेमेंट लेना होता है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं, और पेबल होते हैं जहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पेमेंट देना होता है। बट यहाँ पे आपको जो जिस पार्टी का एडवांस पेमेंट आया होगा वो आपको पेबल में दिखाई देगा और जिस पार्टी को आपने एडवांस पेमेंट दिया होगा वो आपको रिसीवेबल में दिखाएगा, आपको यहाँ पे उल्टा दिखाई देगा। अभी मैं आपको यहाँ पे अगर रिसीवेबल में जाकर चेक कराऊँ तो ये बायर का दिखाई दे रहा है, वो तो बराबर कि कृष्णा कंप्यूटर को हमने सेल किया तो इसलिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे हमें सप्लायर भी दिखाई दे रहा है। सप्लायर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने उसको एडवांस पेमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे आप पेबल में जाओगे तो यहाँ पे आपको सप्लायर का भी दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे आपको बायर का भी दिखाई दे रहा है। बायर का भी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे पेमेंट हमें आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कितने कस्टमर का एडवांस पेमेंट आया हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रेंज का ऑप्शन है, रेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बिल्स में जाना है, इस एडवांस में जाना है और एज यस करना है। तो इसमें आपको वो सारे बायर की डिटेल आ जाएंगे जिससे एडवांस पेमेंट आया होगा, वो सारे के सारे बायर की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेम चीज़ अगर आप रिसीवेबल में जाके चेक करोगे, वहाँ पे रेंज के ऊपर क्लिक करोगे, बिल्स में इस एडवांस, उसको यस करोगे, तो यहाँ पे भी सिर्फ आपको जितनी पार्टी का एडवांस पेमेंट आएगा वही आपको दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एडवांस वाला नहीं देखना है, सिर्फ आपको जो रिसीवेबल पेंडिंग है वही चेक करना है, तो इसके लिए आपको रेंज में जाके बिल्स में जाके इस एडवांस यहाँ पे उसको आप नो कर दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ बायर का डिटेल ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग में जाके आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आपके कस्टमर है उसका अगर आपको यहाँ पे डिटेल नहीं दिखाई देता तो यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन यस होना चाहिए, तभी जाके वो आपको आउटस्टैंडिंग के रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एक सॉल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपके पास भी अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आप जानते हो तो आप भी कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो, जो जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले। और भी कोई एडवांस लेवल का सॉल्यूशन अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बनाते रहता हूं और आपके साथ शेयर करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स एंड अपडेट्स के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।